हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन की। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की। आज हम एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन जीवों के लिए उपयोगी। सबसे पहले हम एक कांच की प्लेट लेते हैं। उस कांच की प्लेट में हम क्या करते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती रख देते हैं और उसे एक बेलजार से बंद। तो हम देखते हैं कि कुछ समय तक मोमबत्ती जलती रहती है जब तक उस बेलजार में ऑक्सीजन थी, फिर वो बुझ जाती है। फिर इसी प्रकार से हम एक दूसरी कांच की प्लेट लेते हैं और उस दूसरी कांच की प्लेट में हमने एक चूहे को रखा और एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि मोमबत्ती भी बुझ जाती है और चूहा भी मर जाता है। फिर हम क्या, एक तीसरी कांच की प्लेट को लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक नन्हा सा पौधा, एक चूहा और एक जलती हुई मोमबत्ती, तीनों को एक साथ रख देते हैं। जब हम तीनों को एक साथ रखते हैं तो हम देखते हैं कि चूहा भी जीवित रहता है और मोमबत्ती भी जलती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पौधा रखा गया। पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन बनाता है और ये ऑक्सीजन चूहे और मोमबत्ती दोनों के काम आती है। चूहा इसका उपयोग शोषण में करता है और जलती हुई मोमबत्ती इसका उपयोग जलने में करती है। इसके विपरीत चूहा शोषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है इसका उपयोग उसमें उपस्थित पौधा प्रकाश संश्लेषण में करता है। इस तरह से हमने देखा कि जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, भोजन बनाने में काम आती है और पौधे ऑक्सीजन उसके बदले में छोड़ते हैं और ये ऑक्सीजन जीवों के काम आती है जीवित रहने के लिए। तो जोसेफ प्रिस्टले ने ये प्रयोग ऑक्सीजन की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए किया था। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।